सिंपली अगर टू रजिस्टर दे रखे हो, जैसे R1 दे रखा है 100 प्लस माइनस 4% और R2 दे रखा है 50 प्लस माइनस 2%, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हो तो R1 माइनस R2 निकालना हो, R1 मल्टीप्लाई R2 निकालना हो, R1 बाई R2 निकालना हो, तो क्या होगा? जब सीरीज में होंगे तो R1 प्लस R2 निकालना है, तो हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देते हैं, यानी 100 और 50 ऐड कर दिया। और इसको कैसे निकाला? एरर वैल्यू है ये 5 कैसे आई? 4 और 2 से 5 वैल्यू है कैसे आई? सिंपली क्या करते हैं हम, 150 इंटू ये एरर वैल्यू हमें दे रखी है प्लस इंटू x/100 प्लस माइनस 5%, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 3.33%। तो r की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं, फिर 3.33% हो जाएगी। नॉमिनल वैल्यू जो भी दे रखी होती है इंटू x/100 से निकाल के हम एरर वैल्यू है निकाल लेते हैं, एरर वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे R1 माइनस R2 निकालना हो तो R1 माइनस R2 निकालेंगे तो ये एरर वैल्यू हमारे मान लेते हैं 5 है, इसके अकॉर्डिंग हम निकाले। तो एरर वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50 इंटू x/100 से निकाला तो प्लस माइनस 5 आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर निकाला, नॉमिनल वैल्यू इंटू x/100 से निकाला तो प्लस माइनस 5 निकाला, इसी तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस 5 निकाला हुआ है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, एक्स की वैल्यू आ जाती है 10%, तो ये आ जाता है 50 प्लस माइनस 10%। अगर R1 मल्टीप्लाई R2 निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्लस माइनस के इनको डायरेक्ट ऐड कर दिया, यानी 6% हो जाएगा। R1 बाई R2 कर दिया तो माइनस कर देंगे, यानी 4% में से 2% कटा देंगे, तो प्लस माइनस 2% हो जाएगा, और डिवाइड सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई ज़्यादा फंडा नहीं है, मेन फंडा है यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। इन अबव प्रॉब्लम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कनेक्टेड होंगे पैरेलल के अंदर तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 33.33, क्योंकि आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 500 प्लस माइनस 6% डिवाइड बाई 150 प्लस माइनस के 3.33%, इससे हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। फॉर पैरेलल के लिए सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से में से डिनोमिनेटर है सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आ जाएगी 33.33 प्लस माइनस 9.33, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो ये करेक्ट नहीं है इस तरीके से एग्जैक्ट करना, यानी आर डेल है आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट का को निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट बाई आर वन डेल आर वन बाई आर वन प्लस आर इक्विवेलेंट बाई आर टू डेल आर टू बाई आर टू निकालते हैं, तो ये 33.33 डिवाइड बाई 100 ये हो जाएगा, डेल आर वन बाई आर वन है 4% हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, प्लस माइनस 33.33 बाई 50, और ये आर टू है ये 2% दिया हुआ है, इससे हम निकाल लेते हैं प्लस माइनस के 2.67%। इसी के अकॉर्डिंग है हम ये क्वेश्चन है, जैसे बी वाई ए मेथड के अंदर बी और आई दे रखा हो तो वहां पर आर निकालना हो तो आर मेथड से निकाल लेते हैं। तो सिंपली क्या होता है यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, यानी 2 और ये 3.4 हो जाता है प्लस माइनस के। फिर देखते हैं ये है टाइप्स ऑफ एरर, एरर के टाइप्स के अंदर देखिए सबसे पहले आता है ग्रोस एरर, फिर सिस्टमेटिक एरर, फिर रैंडम एरर। ग्रोस एरर के वजह से आता है एरर ड्यू टू ह्यूमन इनकरेक्ट एडजस्टमेंट की वजह से आती है, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन की वजह से आ जाती है, मिस रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ जाती है, और रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से भी ग्रोस एरर है आ जाती है। उसके बाद में सिस्टमेटिक एरर के अंदर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर के अंदर एक कंस्ट्रक्शन एरर होती है जो मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से आती है, कंस्ट्रक्शन एरर, एरर ड्यू टू द लोडिंग की वजह से आती है कंस्ट्रक्शन एरर। एनवायरमेंटल एरर होती है, एनवायरमेंटल एरर क्या होती है, एरर ड्यू टू द टेम्परेचर, ये एनवायरमेंट की वजह से होती है, ड्यू टू ह्यूमिडिटी की वजह से एनवायरमेंट एरर होती है, स्ट्रे फील्ड की वजह से एनवायरमेंट एरर क्रिएट होती है। उसके बाद में देखते हैं रैंडम और प्रोबेबल एरर, रैंडम और प्रोबेबल एरर ऑब्जर्वेशनल एरर आती है या पैरेलल एरर है, ये इस कैटेगरी के अंदर आती है। अब गुसेन स्टैटिकल एनालिसिस के अंदर क्या है, ये कन्वेंशनल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कन्वेंशनल के अंदर गुसेन स्टैटिकल एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, ये रीडिंग लेते हैं हम, यानी ए एम की वैल्यू है N1 प्लस N2 प्लस NM तक इस तरीके जाते हैं, तो एन बार बढ़ जाएगा 1 से N I/N तक है या λ I/N तक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डेविएशन देखते हैं, डेविएशन की फार्मूला क्या होता है, डी की वैल्यू निकालते हैं, तो डी की वैल्यू क्या होती है, D1 वैल्यू हो जाएगी N1 माइनस के X1, D2 वैल्यू हो जाएगी N2 माइनस से X बार, इससे हम डेविएशन निकालते हैं। तो डेविएशन जाता है NA माइनस NY से हम डेविएशन निकाल लेते हैं। मीन डेविएशन क्या होता है, D1 प्लस D2 प्लस D3 DN, इस तरीके से हम मीन है निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई N से हम मीन डेविएशन है किसी भी संख्या का निकाल लेते हैं।
उसके बाद में स्टैंडर्ड डेरिवेशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे डी वन स्क्वायर, डी टू स्क्वायर, इस तरीके से डी एन स्क्वायर तक करते जाते हैं, तो डेल जो म्यू की वैल्यू आ जाती है वो आती है 1 से n डी क्यू का स्क्वायर बाई एन से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, एन ग्रेटर देन 20 होता है, तो म्यू की वैल्यू आ जाती है 1 से n डी ए की पावर स्क्वायर से डिवाइड बाई एन माइनस 1 से हम एन की वैल्यू है यहाँ पर लेस देन 20 होगी, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये डेल की वैल्यू है, यानी कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फार्मूले से बेस क्वेश्चन आते हैं, इससे फार्मूले से बेस क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। उसके बाद में देखते हैं ग्रॉस एरर क्या होती है। दीज आर एरर ड्यू टू द ह्यूमन मिस्टेक बिकॉज ऑफ द ग्रॉस केयरलेस, केयरलेस रीडिंग की वजह से, केयरलेस रीडिंग की वजह से ग्रॉस एरर क्रिएट होती है। कंस्ट्रक्शन एरर क्या होती है, एरर ड्यू टू द इनहेरेंट शॉर्ट कनेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो कराती है कंस्ट्रक्शन एरर। एरर ड्यू टू द डिफेक्टिव पार्ट इफ द इंस्ट्रूमेंट, एरर ड्यू टू द बर्न पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो वो कराती है कंस्ट्रक्शन एरर। वैसे पीएमएमसी होता है बिग मैग्नेट की वजह से, ये बी रिड्यूस हो जाएगा तो टी डी भी रिड्यूस जाती है, यानी टॉर्क डिस्टोरेशन टॉर्क है, डेवलप टॉर्क होती है वो रिड्यूस जाती है। उसके बाद में बी की स्प्रिंग होगी तो बी की स्प्रिंग की वजह से के सी डी रिड्यूस जाता है, टी सी भी इंक्रीज जाता है। एरर ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट की वजह से भी एरर आती है, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आती है, एनवायरमेंटल एरर आती है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, ऑब्जर्वेशन एरर आती है, ऑन द ऑब्जर्वेशन एरर इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर विच कैन बी एलिमिनेटेड बाई मिरर ओवर द स्केल, मिरर ओवर द स्केल यूज करके हम पैरेलैक्स एरर है वो रिड्यूस कर देते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर पावर ग्रिड और पीजीसीआईएल के अंदर कि रैंडम एरर होती है वो किस लिए यूज की जाती है, टू इंक्रीज द पावर, रैंडम एरर है इन पावर को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है। दीज आर द एरर विच अकर रैंडमली, दीज एरर कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये एरर हैं गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से मिनिमाइज की जाती है। तो ये वेरिएबल एरर होती है, ये डेल होता है, वेरियंस होता है बी रो, ये भी इक्वलेंट होता है, प्रोबेबल एरर होती है ये भी यहाँ पर 0.67 जो भी वैल्यू होती है उसके इक्वलेंट होती है, यानी बाई की वैल्यू प्रोबेबल एरर की वैल्यू है वो होती है 67.45 डिग्री, और रो की वैल्यू है इसके इक्वलेंट है पॉसिबल एरर हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मिनिमम रेंज ऑफ एरर है वो एक्स बार माइनस एक्स एम एन से निकालते हैं, मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स बार से निकालते हैं, एवरेज रेंज ऑफ एरर है मिनिमम रेंज ऑफ एरर प्लस मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर डिवाइड बाई 2 से हम एवरेज रेंज ऑफ एरर निकाल लेते हैं। एक्स बार माइनस एक्स मिनिमम प्लस एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स बार डिवाइड 2 से हम ये एवरेज रेंज ऑफ एरर निकाल लेते हैं। स्पेन हो जाता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम से स्पेन निकाल लेते हैं, रेंज हो जाता है एक्स मिनिमम और एक्स रेंज के अकॉर्डिंग है ये रेंज निकाल लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन होते हैं डी एक्स वाई डी, डी एक्स वाई डी एक्स वन के स्क्वायर डेल वन स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर डेल टू स्क्वायर, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन है हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड डेविएशन से ये पूरा फार्मूला ड्राइव करते हैं, तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है, आई वन प्लस आई टू अगर क्वेश्चन के अंदर देना है, डेल वन डेल टू हो जाएगा, डेल आई वन बाई डेल आई वाई डेल आई वन हम करते हैं इसको सॉल्व तो 1+0 1 हो जाता है, इसी तरीके से ये भी 1 हो जाता है, तो डेल आई वाई आई की इक्वलेंट है ये रो से, यानी रेस्टिंग के अकॉर्डिंग निकालते हैं इसको, तो डेल आई वाई डेल आई वन का स्क्वायर डेल वन स्क्वायर ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग रूट 5 आ जाएगा, डेल आई वाई डेल डेल आई वाई आई है ये 2.24 हो जाता है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई वन प्लस आई टू यानी 400+2.24 ये रो एस आ जाता है। शॉर्टकट क्या है, डेल वन स्क्वायर प्लस डेल टू स्क्वायर प्लस डेल वन स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इन केस ऑफ एनी वेरिएबल एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक रजिस्टर करंट पावर इन सब के लिए ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन के अकॉर्डिंग फाइनल आउटपुट निकालने का फंडा है। इसी के अकॉर्डिंग केस सेकंड के अंदर देखते हैं, इफ द एरर आर इन फॉर्म ऑफ डाउटनेस ऑफ मेजरमेंट या अनसर्टेंटी कॉल्ड डाउटनेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक जाएगा। The word uncertainty referred the doubtness of the measurement. The word uncertainty referred the doubtness of the measurement. Uncertainty and limiting error not at all same. X की वैल्यू है एफ एन डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू एन तक जाएगी। डी एक्स वाई एक्स की वैल्यू है डी एक्स वाई डी एक्स वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई डब्ल्यू वन स्क्वायर डी एक्स वाई डी एक्स टू का स्क्वायर डब्ल्यू टू का स्क्वायर, इस तरीके से हम डी एक्स वाई डी एक्स डी एक्स वाई एक्स से निकाल लेते हैं। तो बी की वैल्यू है 200 प्लस माइनस 2%, आई की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 1%,
ये वैल्यू है इस फॉर्म में है। तो अगर इसको अनसर्टेनिटी फॉर्म में देखें तो ये हो जाता है प्लस माइनस 4%, आई की वैल्यू प्लस माइनस 2%। तो पी की वैल्यू निकालते हैं, बी आई सी निकाल लेते हैं, तो बी डी पी वाई डी आई सी निकालें हम तो ये बी के इक्विवेलेंट होगा, तो ये 200 होगा। डी पी वाई डी वी सी निकालें तो आई की वैल्यू 10 एम्पियर आएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर स्टैंडर्ड डेरिवेशन से निकालें, डेल वी बाई डेल वी, डेल वी स्क्वायर से निकालें, ओमेगा वी स्क्वायर से निकालें, प्लस माइनस डेल पी बाई डेल आई का स्क्वायर ओमेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कि जैसे डेल वी जेड डेल जेड है वो दे रखी है, उसे हम निकालें डेल जेड से निकालें, तो ये 10 स्क्वायर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। और ये डेल वी है 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये दिया हुआ है, प्लस 200 स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये दे रखा है W2। इससे हम पावर है पी आई है वो निकाल लेते हैं, यानी 2000 प्लस माइनस के 44.72। ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन के अकॉर्डिंग है, हमने ये कैलकुलेट की है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं।